जी दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोटे छोटे बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतनी देर लगा दी यार आने में दोबारा। सर कनेक्ट नहीं हो रहा था। यार ऐसे ना कर यार, हाय हाय, क्या बनेगा उन लोगों का जो नहीं है। किधर चले गए ये? हाँ हाँ जी, स्टार्ट करें फिर दोस्तों, भाई बुजुर्गो, जी सर, या 20 तक पहुंच जाए। अभी 20 हो गए हुए थे ना यार। ये किधर है लोग सारे, क्या चाहते हैं ये? जी सर, वो ग्रुप में मैंने मैसेज किया था कि वो शो नहीं हो रही स्लाइड वगैरह। आज मैं ज्वाइन किया ग्रुप बस और यार, बस तूने दिल पोर्टल भी खोल आ दिया। गया मुझे मेरा। तो टेंशन हो गई थी कि पता नहीं क्या बनेगा, कुछ भी नहीं रखा हुआ मैंने नहीं यार। सर, वो आज ही ज्वाइन ऐसे किया है, पोर्टल भी आज ऐसे भी मिली कोई है अच्छे करता है, से। दिल नहीं तोड़ देता है यार बंदा। ठीक है सर, जी, कोरम हमारा 20 का पूरा हो गया। चेंज इन एस्टिमेट्स, आप लोगों को याद होगा ये चीजें कॉस्ट थी। कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की, यूजफुल लाइफ पे डिवाइड किया, कैरिंग अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई किया। रेट, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, और ये दोनों डेप्रिसिएशन के मेथड हैं। 1 2 3 4, इन सबको कहते हैं एस्टिमेट्स, राइट? इन सबको क्या कहते हैं? एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स। इनमें से कोई भी चेंज हो जाए, इनमें से कोई भी चेंज है, फॉर एग्जांपल लेकर एक ही एग्जांपल बनाते हैं। 10,000 कॉस्ट है दोस्तों, और रेजिडुअल वैल्यू है 1,000, यूजफुल लाइफ है 10। पहले साल में हमने डेप्रिसिएशन की कितनी आ गई? 900। दूसरे साल भी आ गई 900। तीसरा साल हुआ स्टार्ट, उन्होंने कहा जी यार रेजिडुअल वैल्यू अब 1,000 नहीं, अब 3,000 है। इसका मतलब ये हुआ, जब जब आप डेप्रिसिएशन कर रहे होंगे, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से कोई सा भी चेंज हो, आपने एक स्टॉप लेना है, रुक जाना। वो कहता है उस दिन की WDV जो होगी, इस दिन WDV कितनी है बच्चे? Year 3 की मैं डेप्रिसिएशन जब ईयर एंड पे करूंगा, मुझे चाहिए WDV। WDV क्या है? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो 8,200, ये WDV मेरी हो जाएगी कॉस्ट। WDV को क्या कर लेना है? कॉस्ट बना लेना। किसी को कोई इतराज दोस्तों, भाई बुजुर्गो? नो सर, डन हो गया। उसके बाद न्यू डाटा यूज करना है, जो जो अवेलेबल हो, जो जो न्यू है। जो चेंज नहीं हुआ वो ओल्ड यूज होगा। क्या ये बात याद रहेगी?
क्या यूजफुल लाइफ चेंज हुई है? नहीं। 10, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई? यस। डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ? नहीं। इसका मतलब ये दोनों पुराने, ये नया है। हमारे पास आ गई कॉस्ट 8200, रेजिडुअल वैल्यू हो गई 3010। अब इस 10 को अपडेट कर लें, कुछ चीजें अपडेट होंगी, जैसे लाइफ कैसे जितना यूज हो गया वो माइनस कर दें, सब इधर अपडेट कर लें, सब इधर न्यू कर लें, जो न्यू हो सकता है या जो न्यू है। न्यू इसमें से क्या है बच्चे? इसमें से न्यू है वो है 3000। न्यू क्या है? वो है 3000। रेजिडुअल वैल्यू 3000। ओल्ड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओल्ड जो अपडेट हो सकता है दैट इज लाइफ, 10 इसमें से जितने हो गए वो माइनस करें 8। दिस इज चेंज इन एस्टिमेट्स। बताएं जी, गलती से कुछ समझ आ गया है तो बताएं। आराम से एक चीज याद रखनी है, आप ना पैचेस बना लें। पुराना डाटा है, 2-3 साल के बाद कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, पहले पुराने डाटा को यूज करके वहां तक पहुंचे। उसी दिन WDV कैलकुलेट करें, वो आपकी कॉस्ट होगी। उसी दिन जो नई चीजें होंगी वो नई चीजें पकड़ें, जो पुरानी चीजें हैं वो चेंज नहीं वो पकड़ें, जो पुरानी चीजें अपडेट हो सकती है उसको अपडेट करें। अब आपके पास 100% नया डाटा आ गया, नई लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ 8000, स्ट्रेट लाइन मेथड इसको यूज करें। आपके पास WDV नई कॉस्ट भी आ गई। बेसिकली हमने WDV को भी तो बनाया है ना, अपडेट किया है। आप बताएं जी, किस किस को ये समझ नहीं आया वो मुझे बताएं। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, सर एक तरह का शॉर्ट सर्किट हैं शॉर्ट साइड के ऊपर ओवर दे चली गई वजह आप बाद में है। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, इशू आ रहा था तो भी जाएगा सर, न्यू डेटा यूज कैसे करेंगे वो रिपीट करते हैं भाई। चेंज इन एस्टिमेट, चेंज इन एस्टिमेट में यूजफुल लाइफ होती है, रेजिडुअल वैल्यू होती है, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन रेट। आप जब एक एसेट परचेज करते हैं, आपके पास कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू है, कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू है, यूजफुल लाइफ है, रेट है, मेथड है। ये जो मैंने 4 सर्कल किए हुए हैं, ये हमारे पास एस्टिमेट्स है। आप 2 साल ये डाटा था हमारे पास, 2 साल हमने यूज किया, तीसरे साल में कुछ चेंज हो गया। इन चारों में से कुछ भी चेंज होगा, आपने उस दिन रुक जाना है, उस दिन कुछ एक्टिविटी करनी है। WDV कैलकुलेट करें, वो आपकी न्यू कॉस्ट है। ये मैंने WDV कैलकुलेट कर ली 8200। उस दिन जो जो अवेलेबल है एज न्यू, जैसे रेजिडुअल वैल्यू थी वो पकड़ ली, जो पुरानी चीजें चेंज नहीं हुई स्टेट लाइन मेथड जैसे उसको एज इट इज उठा लिया, और जो पुरानी चीजें अपडेट हो सकती हैं जैसे यूजफुल लाइफ 10 साल थी, 2 साल यूज होगी, 8 रह गई। अब नया डाटा को लेकर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया करेंगे। कंफ्यूजन कोई? नो सर, नो सर, अब किसी को कोई सवाल? एनीवन, एनीवन, जल्दी 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 जल्दी, किसी का कोई सवाल? यार ये टाइप ना करें प्लीज यार, आपने तो सर आज चैट बंद करनी थी। बस आज आखिरी दिन है। चलें जी, बस चैट बंद, सर मैं ये मैसेज नहीं पढ़ूंगा, मैसेज वाले फिर मुझे ना कहें। टू वे सही क्लास है। है, इंटरेक्टिव क्लास है। 1 मिनट यार, जब तक आपको क्लियर ना हुआ मुझे बोल के चुप करवाते रहें, क्योंकि मैं पहले चैट बॉक्स खोलूं, उसको पढ़ूं, रिप्लाई करूं। इस तरीके से टू वे है, बोलते जाएं, पूछते जाएं। जी सर ये WDV की है कैलकुलेट 10,000 में से 900 और आगे क्या माइनस की सर? आगे भी तो 900 है ना, 2 दफा 900 है, दो ओके साल की सर डेप्रिसिएशन हुई ठीक, ना। ओके सर ठीक है। अक्यूमुलेटेड हाँ जी, डेप्रिसिएशन माइनस किसी को कोई इशू? नो नो सर, सर। सर चलें जरा एक कुक क्विक जो है ना, क्विक सा एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी बताएं, जल्दी जल्दी। ये तो तुहानू किया, मैसेज ना करो, फिर मैसेज कर रहे हो। एसेट की कॉस्ट है 50,000 1/1/18 पे, यूजफुल लाइफ है 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू ये 1/1/20 पे, कितने साल बाद? 2 साल बाद,
रिमेनिंग लाइफ इज 3 साल और न्यू रेजिडुअल वैल्यू क्या है 12। पहले इसके ना दो एरियाज बनाए, एक एक 18 पे कॉस्ट है 50,000, यूजफुल लाइफ है 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू है 10,000। ओके, फिर वो कहता है एक एक 20 पे, ये अलग अलग मैं इसलिए बनवा रहा हूँ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 3 साल और न्यू रेजिडुअल वैल्यू है 12,000। इसका बेनिफिट ये है कि पहले आप इस डाटा को लेकर यहाँ तक पहुँचे और पहुँचते हैं कि हम 18 की डेप्रिसिएशन करते हैं 50,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10 4,000, 19 की भी 4,000, यहाँ पे आ गए। अब मुझे डब्ल्यू डी भी चाहिए एज कॉस्ट, डब्ल्यू डी एस से कॉस्ट 50,000 माइनस 8,000 42,000। पुराना डाटा इसमें से क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओके, कॉस्ट न्यू क्या है, रेजिडुअल वैल्यू है 12,000 और उसने लाइफ खुद बता दी कि आज की डेट पे यूजफुल लाइफ कितने है 3 साल। अब मेरे पास 1, 2, 3, 4 चीज़ें आ गई। अब मैं इसको लेकर चलूँगा, पहले सारी चीज़ें अपडेट करूँगा फिर मैं करूँगा डेप्रिसिएशन। क्या दूसरी एग्जांपल भी होगी जैसे पहले हमने की और दूसरी ये हो गई, क्या कहते हैं दोस्तों? जी सर, हो गया। यस सर, जी सर, क्लियर क्लियर सर, आसान हो गया। अरे रुको, अभी तो बड़े एग्जांपल्स रहे हैं, क्या याद करोगे यार। हाँ जी, नहीं बस इस इन दो एग्जांपल्स के बाद हो तो क्लियर जाता है। क्या कहते हैं, आ जाए रिवॉल्यूशन पे कि कर लें एग्जांपल्स? मर्जी है सर आपकी, कर लेते हैं सर। चलो कर लेते हैं, ये अहम चीज है सर, कर लेते हैं। किसी ने मैसेज किया ना बेटा, उसको मैंने अभी ना म्यूट कर देना है, ब्लॉक कर देना है, उससे मैंने कटी कर लेनी है। ठीक है, अच्छा जी। मैडन फैब्रिक्स ओन द मशीन, ओरिजिनली कॉस्ट है 30,000, 1/1/14 पे, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, यूजफुल लाइफ 10 है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, एट द एंड ऑफ 17। ये जब आप अलग अलग कर लेंगे ना आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। मेथड चेंज हो गया जी, अब मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रेट है 25%। पहले मेरे पास ये स्लैब है, पहले मैं 14, 15, 16 की डेप्रिसिएशन निकालूंगा, 30,000 माइनस 0/10 3,000, स्टेट लाइन में एक ही आंसर आता है 3,000। 17 में आ गए, 17 में हम आते हैं दोस्तों, मुझे डब्ल्यू डी भी चाहिए 30,000 माइनस 9,000 21,000, और मेरे पास मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रेट है 25%। डाटा आ गया, 2017 की डेप्रिसिएशन करते हैं 21,000 इंटू 25%। और कोई समझ नहीं आई दोस्तों, भाइयों ते बुजुर्गों ते भराओ ते बहनों? सर आगे सर, क्या कॉस्ट है, 60,000 1/1/14 पे, 10 साल, स्ट्रेट लाइन, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ 8 इयर्स, 2 8 इयर्स। हाँ, अब यहाँ पे ये चीज जरूरी है, उसने ये वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। फ्रॉम 10, देखें यूजफुल लाइफ का एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, लेट से 10 साल लाइफ है, कुछ सालों के बाद वो अगर कहे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 6 साल, फिर ये अपडेटेड ही है, उस दिन सब कुछ अपडेट करें, इसको यूज करें। रिमेनिंग का मतलब है कि जिस दिन आप सारी चीजें चेंज कर रहे हैं उस दिन ये है, बेसिकली उसने लाइफ चेंज कर दी ना, उसने फुल एंड फाइनल ये बता दी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जब वो रिमेनिंग का वर्ड यूज कर दे
आपने पिछली टोटल लाइफ कितना डेप्रिशिएट हुआ, बैलेंस क्या बचती है, कुछ भी नहीं। उसने ये बैलेंस करके फाइनल रिमेनिंग बताई है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक सिनेरियो तो होता ही है, ठीक है। जी सर, दूसरा सिनेरियो होता है, वो कहता है कि यार लाइफ अब 8 होगी, जैसे यहां पे है 10 से 8 होगी। मैंने अब 2 साल डेप्रिशिएट किया हुआ, यानी कि वो कहता है यार 10 मैंने किया था, 8 थी वो। बेसिकली वो 10 को 8 कह रहा है, इसमें से 2 निकालें। बेसिकली वो कहता है टोटल लाइफ जब मैंने किया था ना, उस वक्त 10 साल 10 थे ना, कितने हैं, मैंने अपना एस्टिमेट रिवाइज कर दिया, 10 नहीं ये 8 थी। रिवाइज्ड टू इसका मतलब है इस टोटल को न्यू टोटल पे ला रहा है, और ये टोटल ऐसी है जैसे स्टार्ट पे यही टोटल था, इसको रखेंगे, जितना डेप्रिशिएट हो गया वो कर लेंगे। दूसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो है कुछ भी नहीं मेंशन, जितनी लाइफ थी जितना डेप्रिशिएट हो गया वो निकालें और बैलेंस आ जाएगा। अगर आपको ये तीनों गेम समझ आ गई है तो इंशाल्लाह अब आपका लाइफ का सिनेरियो भी गलत नहीं होगा। क्या ये छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे ऐसे मैं बता रहा हूँ फायदा करवाएंगे आपको क्या नहीं करवाएंगे? जी यस हाँ सर, जी, कौन बोलने लगा था? जी था, सर जी सेकंड सिनेरियो एक दफा दोबारा बताइएगा। देखें मैंने आज एक एसेट लिया, इतनी कॉस्ट, इतनी रेजिडुअल वैल्यू, इतनी लाइफ, मैंने 2 साल डेप्रिशिएट किया। लाइफ भी तो मैंने एस्टिमेट किया ना, जजमेंट है। 2 साल के बाद मैं कहता हूँ यार वो जो मैंने जजमेंट की थी ना, वो गलत थी, अब जजमेंट यही है। अब जजमेंट है 8, इसका मतलब मैं इस 8 को उठा के पुरानी जजमेंट से रिप्लेस करूंगा। और ये ठीक जो नई सर, जजमेंट है ये ऐसी है जो पहले 10 जो सोचा था उस 10 को 8 से रिप्लेस करें, फिर इसमें से जितना डेप्रिशिएट हो गया वो माइनस करें। अब ठीक है, ठीक है सर, रिमेनिंग का मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसने खुद ही कैलकुलेट करके दिया कि भाई इस साल से रिमेनिंग ये है। अगर कुछ भी मेंशन ना करें, जितने टोटल थे जितने डेप्रिशिएट हो गए माइनस करें, बैलेंस आ जाएगा। ले जी, मजा हो गया। जी सर, ये अहम कॉन्सेप्ट है, ताहा आजम हारिस हसीब हाशिर हसनैन इकरा यस सर, आमिर क्लियर है। अफराज इजाज सुबहान मुस्कान रिमशा साद सैफुल्ला तहरीम और बाकी एटसेट्रा 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 वगैरह 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 फला फला फला। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर। हाँ जी ले जी, इट्स टाइम टू स्टार्ट द बैटल, इट्स टाइम। आप लोगों को याद होगा बचपन में हमने पढ़ा था ये वाला स्ट्रक्चर, याद है कि भूल गया? कि याद है सर, जब मैं याद है एसेट सर, याद है। खरीदूंगा तो इनिशियली कॉस्ट पे रखूंगा, सबसीक्वेंट में देखूंगा उसे मैंने कॉस्ट पे रखना है या रिवैल्यूएशन पे। अगर तो कॉस्ट पे है, लेट्स 1 लाख एसेट बना, वो हमेशा 1 लाख पे ही रहेगा, इसमें तो टेंशन ही नहीं। क्या कहते हैं? जी सर, प्रॉब्लम है अगर रिवॉल्यूशन मॉडल होगा तो, अगर रिवॉल्यूशन मॉडल होगा रिवर्सल तो, रिवॉल्यूशन मॉडल क्या है? देखें आज कुछ लॉजिक समझते हैं। रेडी है? कोई ब्रेक ब्रूक लेनी है? नो सर, रेडी पक्की बात है? है सर, अभी तक I-16 में कुछ जादू शादू हुआ है कि नहीं? मजा आया कि नहीं? मजा आया सर। सर मतलब मजा ही आया, समझ नहीं आया। दोनों मतलब मजा आया है और समझ नहीं आया, वेरी गुड। सर समझ आया तो मजा आया ना। अच्छा, समझ समझ के मजा आया, ओके। देखें पहले तो रिवॉल्यूशन के लिए इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजें समझते हैं। देखें मेरा एक एसेट का TA अकाउंट है,
लेट्स से उसमें कैरेडॉन पड़ा 20,000, ठीक है, कमोलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसमें कैरेडॉन पड़ा 2,000। देखने को तो कैलकुलेशन अगर करें तो ये 18,000 है, एक्चुअल में एसेट तो 20 पे ही पड़ा है। क्या कहते हैं, दो अलग अलग टी अकाउंट है, दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग वैल्यूज हैं, क्या कहते हैं? जी सर। रीवैल्यूएशन के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए याद रखना, सिर्फ रीवैल्यूएशन के लिए, किसके लिए, किसके लिए? रीवैल्यूएशन के लिए, सिर्फ रीवैल्यूएशन के लिए। आपने इसे एक्चुअल में कैरिंग अमाउंट पे लाना, एक्चुअल में, यानी कि आपके इस टी अकाउंट में ही वो हो। इट मींस इसकी जो डेप्रिसिएशन है, अगर मैं उधर से निकाल दूं और एसेट में ले आऊं, 2,000 यहां से निकाल दूं, 2,000 यहां पे ले आऊं, ये हो जाएगी नील, ये हो जाएगी 18। एक्चुअल से मुराद आपके टी अकाउंट में वो फिगर नजर आनी चाहिए। तो क्या ऐसे होगा कि नहीं होगा? हमेशा 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 रिवॉल्यूशन का पहला काम होगा उसको एक्चुअल में, एक्चुअल से मुराद उस टी अकाउंट को एक्चुअली उस कैरिंग अमाउंट पे लाना। उसके लिए मुझे डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन निकाल के एसेट में फेंकने पड़ेंगे। पहले बताएं ये स्टेप क्लियर है? जी सर। यस सर। इतना स्लो स्लो चलो तो मजा आ जाएगी रिवॉल्यूशन। तो ये 2,000 जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाला है, ये इसकी डेबिट साइड पे नहीं आएगा? अच्छा यार, माफ कर दे क्रेडिट साइड पे आएगा ना। अच्छा ठीक है ठीक है, माफ कर दे यार, माफ कर दे, एल ठीक है, माफ कर दे यार, माफ कर दे, माफ कर दे, मेरा फोकस समझाने पर लगा हुआ है। सो सबसे पहला काम क्या है, उस एसेट को एक्चुअली, एसेट को, एसेट के टी अकाउंट में आपने कैरिंग अमाउंट में लाना एक्चुअल। उसके लिए करना पड़ेगा, ये फर्ज है। अगर आप ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो 18 पे तो है, इधर से कॉस्ट पकड़े, इधर से डब्ल्यूडी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन पड़े, डब्ल्यूडीवी कैरिंग अमाउंट आ गई, बट एक्चुअल में नहीं है वो। क्या अभी एक्चुअल पे आ गया, एक्चुअल में ला सकते हैं? पहले बताएं दोस्तों। जी सर। ओ यार सारे दस्या करो। यस सर। ओके, खवातीन किधर हैं? खवातीन रोटी बना रही हैं, सफाई कर रही हैं? हाँ जी, तहरीम, रिमशा, मुस्कान, इकरा, लो जी। ओके, आज मुझे एक बात बताएं, आपके पास एक मोबाइल है, आप उसको बाजार लेकर जाते हैं, बाजार समझते हैं मार्केट, एक शॉप पे जाते हैं, कहते हैं कि यार बताओ इसका जरा रेट तो बताओ, लेट से वो कहता है जी 30,000, ये क्या है 30,000? क्या मार्केट वैल्यू? उस दिन उसकी वर्थ, एक खास दिन, एक खास दिन, एक खास दिन, बंद कर दिया माइक उसने, ओके, एक खास दिन पे आप किसी चीज की वर्थ लगवाते हैं, इसको मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू कहते हैं। कि उस दिन, जिस दिन मैं ये करने लगा हूं, उस दिन उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ऐसे ही कि आज गाड़ी ले जाओ, वो बताएंगे भाईजान 30 लाख दिए, मोबाइल ले जाओ 30,000 दे, मोटरसाइकिल ले जाओ 50,000 दिए, उस दिन उस चीज की मार्केट में क्या वैल्यू, यानी कि अगर मैं उसको जाके मार्केट में बेचू तो मुझे कितने पैसे वो कमा के देगी, उसको क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। जैसे मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, आपका मोबाइल है, इसी तरीके से कोई भी एसेट हो, क्या उसकी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू मार्केट से मुझे मिल सकती है? Yes, sir. मेरी बुक्स में ये एसेट आ रहा है 18,000 का, मार्केट में इसकी वैल्यू है 25,000, तो मैंने ज्यादती नहीं की हुई, वैल्यू इसकी 25,000 है, मैंने अपनी बुक्स में 18,000 लिखा हुआ है, गलत बात नहीं है क्या? आपको गलत बात नहीं लग रही?
बात है सर। गलत बात है ना, ये तो बदतमीजी हो गई ना। 18,000 का बार विक रहा है, तुसी 25,000 का, तुसी 18 ते लिखे है, तो दूसरा काम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ा के यहां तक ले जाना पड़ेगा। पहला काम था ये, दूसरा काम मैं एसेट बढ़ा दूं, कोई एतराज है? ना सर, नो सर। और ये चला जाएगा रिवर्सन सरप्लस में। इन दोनों कामों के ऊपर कोई सवाल? नो सर। सर इसी तरह अगर मार्केट वैल्यू कम हो तो कम भी करेंगे। यस, अगर मैंने ज्यादा क्यों लिखा हुआ है, काम करो, एसेट क्रेडिट करो, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट करो। बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। बढ़ होएगा तो सरप्लस, कम होगा तो लॉस। अच्छा, देखिए अब ये जो सरप्लस आया ना दोस्तों, वैसे तो ये मुझे फायदा हुआ है। अगर ये मैं फायदा उठा के फौरन इनकम बना लूं, तो मेरी इनकम स्टेटमेंट में तो करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक दिन में बैठे बैठे 10 करोड़ बढ़ जाती है, अगर मैं उसको उठा के इनकम स्टेटमेंट में इनकम बना दूं तो गलत नहीं हो जाएगा? इसीलिए उसको सरप्लस बनाते हैं, सरप्लस रिजर्व होता है। वो कहते हैं फिर थोड़ा 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 इसको इनकम बनाते रहो, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे, लेट से 7 साल रिमेनिंग लाइफ है, तो 1,000 सरप्लस में से निकालूंगा और इनकम बना दूंगा। कितने काम हो गए दोस्तों? 3 काम। सर और एक कितने? चीज, हाँ हाँ जब एसेट बिकेगा तब पैसे आएंगे, तब इनकम बनेगी, तो ऐसे कैसे हम नहीं बना बच्चे, देंगे नहीं इनकम? क्यों, मैं, मेरे पास एक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जी। आज उसके साथ एक सड़क गुजर गई, वो 2 करोड़ की होगी, उसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़। आज अगर जाके बेचो तो 2 करोड़ की बिकेगी कि नहीं बिकेगी? बिकेगी अगर बेचो तो 1 करोड़ की इनकम होगी। जी सर। मैं उसी को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं बेच तो रहा नहीं, मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि 1 करोड़ से मेरा एसेट बढ़ गया और सरप्लस क्रेडिट है। उस सारे इनकम को एक साथ इनकम नहीं बनाना, सरप्लस में रख लें, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते रहें, थोड़ा 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 करके इनकम बनाते रहें, कि जितना जितनी लाइफ उस एसेट की बाकी है उसको थोड़ी थोड़ी इनकम में कन्वर्ट करते रहें। क्या इन तीनों चीजों की लॉजिक समझ आ गई है दोस्तों भाई बुजुर्गों? यस सर। अगर अगर वो एसेट मैं सेल कर देता हूं, तो जितना सरप्लस पड़ा हुआ है सारा उठाओ और इनकम बना दो। अब तो हो गया ना इनकम कि नहीं हुआ? यस सर। ये 4 बातें याद रहेंगी, क्या मुझे आप जी इसकी सर। गारंटी देते हैं? जी यस, सर। तुम लोगों को समझ आ रहा है क्या हो रहा है? लॉजिक जी के सर। साथ, आज रिवॉल्यूशन लॉजिक के साथ समझ तो नहीं आ रही गलती से? आ रही है कहीं सर। आ रही है। नो मैं गुस्ताखी तो नहीं कर रहा समझाने की? सर। तो सर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से जो हम लेके जा रहे हैं, ये रिटेन अर्निंग में जा रही है। जी, रिटेन अर्निंग में इनकम बन गई। अच्छा, तो रिटेन अर्निंग इनकम ही होती है ना। आप लोग सवाल में देखेंगे हमेशा, क्वेश्चंस में, कि आप रिवैल्यूएशन करें नेट रीस्टेटमेंट मेथड से, देखा है कभी? जी सर। इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, इसको नेट रीस्टेटमेंट मेथड भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है, नेट रिप्लेस नेट स्टेटमेंट क्या था यार, नेट रिप्लेसमेंट मेथड या एलिमिनेशन मेथड, नेट रिप्लेसमेंट मेथड या एलिमिनेशन मेथड, दोनों एक चीज के नाम है। ये जो मेथड जिक्र करता है, ये हमने वही डिस्कस किया, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, 4 एंट्रीज। क्या जो अभी तक मैंने बताया वो समझ आ गया? यस जी सर। सर, जी सर। पक्का? यस सर। यस समझ आ सर। गया, देख लो, फंस जाओगे दोस्तों। नो सर, क्लियर ओके, अभी देख लेते हैं कितना क्लियर है दोस्तों को, अभी देख लेते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसा फॉर्मेट
बनाने लगा हूँ। क्या बनाने लगा हूँ? एक ऐसा फॉर्मेट जिस जिसने R1 पढ़ी हुई है, जिस जिसने R1 और पढ़ी बंद भी हुई है। है और उसको रिवेल्यूशन में प्रॉब्लम आती रही है, आज इंशाल्लाह मेरा दावा है, अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे, आज उसका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत बड़ा दावा तो नहीं कर बैठा हूं मैं, हैं? आप मेरे लिए दुआ ना करेंगे अल्लाह सर। मुझे कामयाब करे इस दावे में? जी सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, अभी हमने जो पढ़ा वो याद है? जी यस सर। जी चलो सर जी, इजाजत है, डायरेक्ट ही पास्ट पेपर इजाजत है? जी सर। लड़के मोटिवेटेड लग रहे हैं आज तो, लेकिन है कम यार। वैसे देख लो आज कल इन्होंने एडमिशन भरा है, हैं? कल लड़कों ने इन्होंने मतलब कल आखिरी डेट थी ना पेपर एडमिशन भेजने की, जी जी 10 तो को। और आज कितने क्लास में बैठे हैं? 18, और एनरोलमेंट्स हैं 42। 42 हमारी क्लास है, 18 लोग बैठे हुए हैं। पास होने वाले, हम्म, 18 पास होने वाले, क्या करें इनका यार, बताओ यार, क्या कह हैं? सकते हैं सर। चले जी दोस्तों, इसके लिए तो फिर जरा तैयारी करनी पड़ेगी, खास रिवेल्यूशन को टक्कर देने लगे हैं। इजाजत है जरा, मैं जरा इजी हो जाऊं, इजी हो जाते हैं जी। वाकई में ये हम हिम्मत का काम करने लगे, अभी देखना बटन उतने तक चला आया। बदमाशी मोड ऑन हो रही है। इस गुस्ताखी वास्ते मैं पहले एडवांस से माफी मांगना, थोड़ा मैं जरा इजी हो जाऊं, पानी भी पी लूं, क्योंकि फिर जब स्टार्ट करते फिर जोश आ जाएगा, फिर मजा आएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ले जी, डॉन मोड ऑन हो गया, पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। SKL 1 जुलाई 2012 पे उसने एक बिल्डिंग एक्वायर की 360 मिलियन। ये कॉलम मैं वन बाई वन साथ समझाता रहूंगा, डन हो गया? आपकी डन सर। जिंदगी में मजा आने वाला है। 1 जुलाई 12 पे 360, 1 जुलाई 12 पे मैंने परचेज किया 360 का। पहले पांच कॉलम की समझ आ गई होगी। अरे यार, डेट, डिस्क्रिप्शन, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट है, ये अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट है। और ये जो है, अभी जब मैंने कहा था कि 18,000 की डेप्रिसिएशन बनी नेट बुक, अरे क्या प्रेस हो रहा है भाई, सिस्टम ज्यादा तेज है, कहता मुकाओ बस। अभी मैंने कहा था ना, कैलकुलेशन अगर हम करें दोनों टी अकाउंट्स में से, तो कितनी बन रही है? 18,000 बन रही थी। यस सर। ये वो कैलकुलेशन है। पहले पांच में कोई कंफ्यूजन बताएं, पहले पांच कॉलम्स यार। नो सर। अरविंद ओके, अपडेट करें अपनी। विंडो अपडेट नहीं करना, ये गैजेट्स बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं पे कुछ भी प्रेस हो जाता है। हैंड फ्री, माउस, कैमरा, कीबोर्ड, वो डिवाइसेस, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस, चार्जर, पता नहीं क्या क्या, इतने तो एम ए हो जाती है ऑनलाइन क्लास, अल्लाह के बंदो। अच्छा, हा। आगे चलते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब तक चीजें चेंज ना हो आपने उनके बारे में नहीं सोचना। देखते हैं जी, बिल्डिंग इज बीइंग डेप्रिसिएटेड लाइन बेसिस, आपने हर चीज इस पे मेंशन करनी है। मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट कोई लाइन। इतराज, ताकि मैं नो वापस जाके सवाल में ना देखूं। 10 साल लाइफ है, क्या लाइफ है दोस्तों? सर। यस सर।
रिवॉल्यूशन मॉडल है, कौन सा मॉडल है दोस्तों? मतलब आपके पास रजिस्टर होगा, आप पे ये हेडिंग के सामने सारी चीजें लिख सकते हैं। नेट रिप्लेसमेंट मेथड ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है? यस सर। अच्छा जी, रिवॉल्यूशन हुई है 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 13, फिर 15, फिर 17। अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? 1 जुलाई 2012। 1 जुलाई 2012, 1 जुलाई 2012। तो पहले मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, फिर मैं सोचूंगा। देखिए हम पता क्या करते हैं, हम सवाल हल करते हैं, हमारे जहन में सारा कुछ होता है यार, उस डेट पे की करना, उदा की करना, उदा की करना। देखिए इसको होता है डिवाइड एंड रूल, छोटे छोटे हिस्से कर लिया हमने। पहले मैं चुप करके 31 दिसंबर 2013 तक आऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। 31 12 12 डेप्रिसिएशन कितनी होगी दोस्तों? योर डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 18 18 18 सर। 18 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कोई इतराज? नो सर। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये डेप्रिसिएशन के लिए P&L, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। इसमें डबल एंट्री पूरी हम पोस्ट करेंगे और हमारे पास 3 अकाउंट्स हैं। अभी तक हमने जिक्र किया किसका? डेप्रिसिएशन का, अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन का और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, राइट? जी सर। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमोलेटेड क्रेडिट, एसेट आपको पता है कॉस्ट पे चलता है, 360 तक आ गया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकमोलेटेड कैरी डाउन आ गया और WDV यहाँ पे आपको पता है फॉर द ईयर चार्ज हो जाती है। क्या ऐसे ही होगा टी अकाउंट? जी सर। ओके जी, 31 12 13 पे डेप्रिसिएशन फिर यही आएगी? नहीं नहीं ये तो 6 महीने की थी ना। 36 आएगी। 54 42 में से 36, 306। क्या हम उस डेट तक आ गए हैं डिवेल्यूएशन पे? उस डेट तक आ गए हैं। इसमें जो मेन पॉइंट याद रखिएगा, जिस दिन रिवॉल्यूशन हो, ये बहुत अहम पॉइंट है दोस्तों, जिस दिन रिवॉल्यूशन हो उस दिन तक डेप्रिसिएशन चार्ज करें। बच्चे इसी में बैठे होते हैं यार, इस दिन तो रिवॉल्यूशन है, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करनी? भाई जिस दिन रिवॉल्यूशन है उस दिन तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करें। क्या हमने इस दिन तक की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली? जी सर। ओके, इसी करते हैं ना एलिमिनेशन के एंट्री, वो रिवॉल्यूशन पे होगी ना यार। अभी तो उसको छोड़ दो ना, अभी 31 12 2013 तक आ गए। जी सर। ओके, इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है? 323। फेयर वैल्यू आप यहाँ पे लिख रहे हैं 323 WDV। क्या इसको बढ़ा के यहाँ पे मैं लाऊंगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 17। अब चूंकि ये है रिवॉल्यूशन और नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, नेट रिप्लेसमेंट मेथड चार मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप क्या है? चार एंट्रीज करवाई थी ना, कि एसेट टी अकाउंट अपने कॉस्ट पे है, डेप्रिसिएशन अलग है, नेट बुक वैल्यू ये है। पहले मैंने एक्चुअल कैरिंग अमाउंट पे आना है, अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट हो गया, ये टी अकाउंट डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। मुझे सरप्लस गेन हुआ या लॉस हुआ कहां से मिलेगा? यहां से। ये मैंने जो डमी कैलकुलेशन कर रहा हूं, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, क्या कहते हैं? जी सर। क्या डबल एंट्रीज हो रही हैं टी अकाउंट में, पोस्ट हो रही हैं? दोबारा दोबारा दोबारा
वापस आएंगे, हम वापस आएंगे। रिवैल्यूएशन करने का पहला असूल था, पहला स्टेप था कि मेरे पास देखो ना एसेट टी अकाउंट में 360 का आ रहा है, अकोमोलेटेड 54 की आ रही है, कैलकुलेशन करूं तो 306 आ रही है, बट एक्चुअल में एसेट 360 का आ रहा है। जब मैं अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करूंगा और एसेट क्रेडिट करूंगा तो 360 में से 54 गया तो बच गया 306। फिर जी 17 से एसेट बढ़ेगा। देखें यहाँ पे मुझे अलग कहीं जाके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन मेरे सामने है, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, यहीं पे सरप्लस आ गया 17, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, मजे का काम है जी सर। यस सर। और कोई समझ भी आ रही है? यस सर। ओके अब बताएं अगली ड्रामेबाजी कब है? 15 पे, 15 तक पहले पहुंचे चुप करके सर। रिवैल्यूएशन पर रिमेनिंग लाइफ भी तो काउंट करनी है। और यार अग्गे ते चल टोर, अग्गे ते टोर, होली तू चुप करके देखता रहता है, जेड़ा मैं दस रहा ओदे च कंफ्यूजन है तो वो सवाल पूछ, ठीक है? आगे की बात है ना पूछो। अभी 31/12/14 पे डेप्रिसिएशन क्या होगी? WDV चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई, कितनी लाइफ थी, कितनी लाइफ थी दोस्तों? 10 साल थी ना पहले में। कितनी डेप्रिशिएट हो गई? 1.5 साल। 1.5। कितनी डेप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन की एंट्री कराओ। 38 है? 38 सर। डेप्रिसिएशन डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, हमारे पास सरप्लस भी है। हमने अगला स्टेप क्या कहा था कि सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। कुछ समझ तो नहीं आई सर, ये पॉइंट रिपीट कर दें दोबारा। भाई एक मिनट, रिवैल्यूएशन का पहला स्टेप क्या था? एक्चुअल में कैरिंग अमाउंट पे लाना, बताएं जरा। जी सर। हमने एक्चुअल पे कैरिंग अमाउंट लाने का मतलब है कि अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है उस एसेट की वो निकालेंगे। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट की, मैंने एसेट क्रेडिट किया, एसेट आ गया एक्चुअल कैरिंग अमाउंट पे। Yes, sir. अब मुझे सरप्लस ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे इस कॉलम, ये कॉलम किस लिए बनाया? आंब लेने के लिए बनाया है। ये देखो निकला हुआ है 17, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, पहला स्टेप हो गया। पहला यानी कि हुआ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ कितने से? 54 से। एसेट क्रेडिट हुआ 54 से। क्या ये पोस्ट कर दिया हमने 54 के साथ? Yes, sir. दूसरा स्टेप एसेट हुआ डेबिट कितने से? 17 से। रिवैल्यूएशन सरप्लस 17 से कर दिया। जी सर। फिर अगले साल रिवैल्यूएशन सरप्लस में से कुछ हिस्सा निकाल के रिटेन अर्निंग में इनकम बना दिया। यस सर। ये नेट रिप्लेसमेंट मेथड है। अब बताएं यहां तक बताएं, हमने पहला फेज किया है हमने, और हम जब रिवॉल्यूशन कर चुके हैं अब हमारी WDV अपडेट हो चुकी है तो हम अपनी लाइफ भी अपडेट करेंगे। हमारी WDV अपडेट हो चुकी है तो हम अपनी लाइफ भी अपडेट करेंगे। हमारी WDV अपडेट हो चुकी है तो हम अपनी लाइफ भी अपडेट करेंगे। जितनी टोटल लाइफ थी जितना उसमें से डेप्रिशिएट हो गया वो माइनस करेंगे तो 8.5 बनेगी। यहां तक मुझे चाहिए 1/1 आंसर। ताहा भाई जादू हो रहा है? जी सर। मजा आ रहा है? Yes, आ रहा है सर। ओके ताहा ने बता दिया। आजम, जिसका मैं नाम लूं, आजम खान इंटरेस्टेड नहीं है जवाब देने में, वो चाहते हैं कि मैं किसी को जवाब ना दूं। हारिस रो जी सर। हसीब बुक्टी यस सर, आ गया समझ। हाशिर मलिक यस सर। हसनैन अली यस सर क्लियर। इकरा अनवर, मोहम्मद आमिर, अफराज असलम, मुझे एक दफा और लेक्चर लेना पड़ेगा सर।
क्यों पिछले एक दो लेक्चर आज ज्वाइनिंग किया ना बच्चे, आज फ्रेश है सब, इसमें क्या रॉकेट साइंस, नया नई चीज समझा रहा हूँ सर। वो पिछले वाला सवाल नहीं किया ना, वो थोड़ी साइंस नहीं आपने ये शुरू से समझा है। यस सर। तो इसमें पूछ रहा हूँ ना, इसमें कोई मसला है सर? एंट्रीज में थोड़ा मसला आ रहा है। रिवीजन के लेक्चर शुरू से सुन रहे हो? यस सर। अच्छा तो भाई ये जो आज एंट्रीज की है वही बता रहा हूँ, पिछला तो ऑलमोस्ट समझ आ रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी मिसिंग है, तो इसलिए मैं कह रहा था समझ आ रही है मुझे। साथ साथ सवाल आप लोग की नहीं पूछते हैं, आप अपना जाया करते हैं वो जो बेनिफिट है। इजाज मोहम्मद आमिर सुभान मुज्तबा यस सर मुस्कान यस सर क्लियर साद हाशमी क्लियर है सर सैफ डन है सर सैफुल्ला तहरीम yes, चलो जी इतनी गवाही काफी। ओके अगली कार्रवाई कब है भाई? 15 पहले 15 तक पहुंच जाए, 31, 12, 15 डेप्रिसिएशन कितनी होगी दोस्तों? हेलो वो डेप्रिसिएशन कितनी? 38 होगी। 38 होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड है। डेप्रिसिएशन डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और रिमेनिंग सरप्लस में सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। सर ये एक साथ दो साल की डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते क्या? चीज एक साथ दो साल की डेप्रिसिएशन कर सकते हैं ना यार, मुझे समझाते लेने दो, जब चीजें ग्रिप हो जाए फिर कर लेना ना सर। लास्ट जब रिवैल्यूएशन पे लाइफ चेंज नहीं हुई, 8.5 नहीं होगी लाइफ? तो बच्चे 8.5 भी चले ना 14 और 15 पे। अच्छा ठीक है। ओए तन वल्ला हाँ ठीक है ठीक है। ओए होए WDV भी कैलकुलेट करा दो, पैन लग गया तो मैं आपे कर लेना, तुसी बहुत निकम्मे हो। 247 हाँ हुन मैं कर ली तो हुन दस रहा है। अच्छा जी 31 दिसंबर 2015 पे पहुंच गए, इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है? 208। इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है? 208। 31 दिसंबर 2015 फेयर वैल्यू है 200। ये क्योंकि कैलकुलेशन वाला कॉलम है, इससे में आइडिया हो जाता है क्या हो रहा है। ठीक है कितना कम होगा जी? 39 कम होगा, कैलकुलेशन हमने समझ ली। अब चूंकि रिवैल्यूएशन है, पहला स्टेप क्या है? एक्चुअल में कैरिंग अमाउंट पे लाना अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। फिर मुझे इस कॉलम से देख के लगा एसेट कम हो गया, एसेट क्रेडिट और रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट बढ़ेगा तो सरप्लस कम होगा तो लॉस, कोई इतराज? नो सर क्लियर। अब रिवैल्यूएशन का अगला रूल, हमने ये तीन चीजें, इसके साथ चौथी चीज क्या आती है? सेल करने पे सारे का सारा रिटेन रनिंग में चला जाएगा, ऐसे ही है दोस्तों? Yes. अगला स्टेप, जब रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो देखना है लॉस कितना पड़ा हुआ है। जब सरप्लस है तो देखना है लॉस कितना पड़ा हुआ है। जब लॉस है तो देखना है सरप्लस कितना पड़ा हुआ है। अब मुझे बताएं, जब सरप्लस आया था तो लॉस के कॉलम में कुछ था? नो सर। जब सरप्लस आएगा तो देखने लॉस कितना पड़ा हुआ, पहले वो लॉस एडजस्ट करना है। जिसको देखना कितना पड़ा हुआ पहले वो खत्म करना है, बैलेंस अपने कॉलम में रखना है। जब सरप्लस आया लॉस कितना पड़ा हुआ, लेट्स से लॉस 5 पड़ा होता, पहले लॉस खत्म होगा 0 होगा फिर 12 सरप्लस। अब लॉस आया है, देखना है सरप्लस कितना पड़ा हुआ, कितना पड़ा हुआ है? 13। ये खत्म होगा फिर अपने कॉलम में बैलेंस अमाउंट आएगी। किसी को गलती से ये समझ आया तो बताएं। यस सर आ गया सर। गलती से समझ आ गया? यस सर। हमारे सुनहरी असूल ए नेट रिप्लेसमेंट मेथड के साथ, ये हमारा हो गया बी
ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, नेट रिप्लेसमेंट मेथड आपके सामने है, ये फॉर्मेट आपके सामने है, इस पेज पे ये फॉर्मेट और ये जो सुनहरी असूल हैं, जितने मैं बताऊं ये अगर कर लिए 16 की रिवॉल्यूशन सारी खत्म है। ठीक है, कुछ कुछ मेरे कोई बयान में सदाकत नजर आने लगी है? यस सर। जी सर। ओके जी, अब अगली हरकत कब की है उसने? 2017 तक चले जाएं पहले। यस सर। 31 दिसंबर 2016, हाँ जी, 208 को कितने पे डिवाइड करूंगा? अब कितनी अपडेटेड, अपडेटेड WDV, अपडेटेड लाइव, 6/5, क्या है फिगर? 32 है, 32 है सर। WDV बताओ, WDV बताओ अभी तो। 2176 सुनहरी असूल 3 रिवेल्यूशन लॉस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है जस्ट फॉर कैलकुलेशन, जस्ट फॉर कैलकुलेशन, नो एंट्री। 4 बात समझ आई? यस सर। अगर लॉस ना हुआ होता, सरप्लस ना हुआ तो इतनी डेप्रिसिएशन वहां पे जानी थी, इसके बैक एंड पे ये लॉजिक होती है। सर जिस तरह सरप्लस को हम हर साल रिटेंड अर्निंग पे डालते, जब सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते तो एंट्री करते हैं, ये तो ऑलरेडी लॉस P&L में है ना, इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है जस्ट फॉर कैलकुलेशन, कि अगर ये ना हुआ होता तो मैं इतनी डेप्रिसिएशन तो चार्ज करता, क्योंकि ये रिवर्स होगा तो 4 तो कम से कम P&L में पड़ा रहे ना, बात समझ आएगी ना? अभी सरप्लस आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो जितना मैंने निकाल के ये 4 निकाल दिया है, कम से कम इतना P&L में रहेगा हमेशा। ठीक है जी सर। हाँ जी, फिर सुनहरी असूल कितने हो गए दोस्तों? 3 हो गए, डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit, हाँ जी WDV तो कर दिया करो यार। फिर क्या हरकत हुई, किस दिन हुई? 17/167 ये रंग नजर नहीं आ रहा, रंग दे तू मुझको, क्या था, रंग दे बसंती, पता नहीं क्या था, 167 इसको उठा के यहाँ पे लाना तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 23। अब फिर रिवॉल्यूशन है, नेट रिप्लेसमेंट वाले भाई क्या कहते थे, एसेट कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट पे लाओ, अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ऐसे करे हर दफा रिवॉल्यूशन के लिए आपको करना पड़ेगा। अब एसेट बढ़ गया, सरप्लस आ गया है मेरे भाई, सरप्लस आया तो लॉस देखना है, लॉस आया तो सरप्लस देखना है, सरप्लस आया 23 का क्या देखना है पहले? लॉस पहले होगा वो एडजस्ट, बाकी आएगा सरप्लस में। कोई मजा तो नहीं आया होगा, मुझे तो नहीं आया है ना, खूबसूरत हो गया यार ये तो, है ना? यस सर। अरे बड़ी आसानी से हो गया सर, इस फॉर्मेट में आई एम गिविंग माय वर्ड्स, स्पटनिक सी डालने हलवा बन जाएगा, स्पटनिक सी जो आपको डराता है खाबों में आके। सर ये सवाल मैंने 5 पेज पे किया था, कोई 3 दफा किया था, तीनों दफा गलत हुआ था। स्पटनिक सी लिमिटेड इस फॉर्मेट में डालोगे हलवा हो जाएगा, आई एम गिविंग माय वर्ड्स, कैसे? मैं आपको, ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है YouTube पे अपलोड हो जाएगी, करके देख लेना। अच्छा, अभी जादू खत्म नहीं हुआ, जादू अभी कंटिन्यूड है, हमारी रिक्वायरमेंट होगी 3 तरह की, किसी कॉलम में अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है।
अब तो खत्म हो गई। रिटेन अर्निंग में वो आएगा जो सरप्लस ने निकलेगा, पी एंड एल डेप्रिसिएशन है, रिवेल्यूशन लॉस और सरप्लस आपको पता लग गया। ठीक है दोस्तों भाई बुजुर्गो, जी सर क्लियर है। पहली आपकी रिक्वायरमेंट होगी एंट्री, क्या ऐसे ही है? दूसरी होगी नोट, तीसरी होगी एक्सट्रैक्ट। ये तीन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अगर मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, क्या भला है? जी जी बोलें सर। गुड न्यूज दूं कि वो ये तीनों इसी से आराम से हो जानी है फिर। यकीन आ रहा है थोड़ा थोड़ा? एंट्री का तो समझ आ रहा है, नोट्स और स्ट्रक्चर से निकालेंगे। अरे रुक तो जा, देखता तो जा मेरे सोने। पहली लाइन परचेज किया, क्या हुआ? एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। दूसरी लाइन डेप्रिसिएशन डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तीसरी लाइन डेप्रिसिएशन डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। चौथी लाइन नेट रिप्लेसमेंट मेथड में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट सरप्लस डेबिट एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। अगले साल डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिर सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अब जहां पे लॉस और सरप्लस है वो देखते हैं। एसेट क्रेडिट डेबिट क्या हुआ है? सरप्लस और लॉस। सुभान अल्लाह, यहां पे देखते हैं एसेट डेबिट क्रेडिट क्या हुआ है, दिस एंड दिस एंट्रीज। क्या मैं इस फॉर्मेट से एंट्रीज निकाल सकता हूं? जी सर। ये सर लास्ट एंट्री दोबारा बता दें भाई। देखो एसेट, हमारे सामने कितने सिनेरियोज हैं इसमें आते हैं। ये एक ट्रिकी है, मैं करवा देता हूँ सर। मैं आपके नौकर, हुक्म करें सर, आप हुक्म के लगाएं। यहाँ पे सिर्फ सरप्लस है, एसेट को बेस बनाओ। एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। यहाँ पे आओ दोबारा, एक फिगर ये है एक ये है। एसेट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है, ये और ये एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो बाकी दोनों डेबिट हो रहे हैं। यहाँ पे एसेट डेबिट हो रहा है, बाकी दो क्रेडिट। लड़के पहुंच गए। हाँ जी, लड़के होशियार हैं। डबल एंट्री का जादू हो गया। यस सर। ये मुझे वन बाई वन चाहिए। पहले मैं सवाल वन बाई वन पूछूंगा, क्या ये फॉर्मेट क्लियर है? फॉर्मेट के जादू के बोलना है। ताहा भाई जी सर, क्लियर है। का नाम मैं लूं आजम, अगर खुशी से आप तारीफ करना चाहें तो कर सकते हैं, आज आपको इजाजत है। जी ताहा सर, बड़े मजे का टॉपिक था ये। सर बहुत बड़ा टॉपिक है और हमने इसको हलवा कर देना है। आजम यार मुझे मैसेज नहीं चाहिए प्लीज यार, मैं ऐसा बंदों में वन बाई वन नाम लेके कॉल कर रहा हूं कि मुझे बताओ और फिर मैसेज कर रहे हो यार, मेरी चिड़ बना लेने तुम लोगों ने। मुझे पूरी सेशन में गुस्सा ना आए, सिर्फ इस पे गुस्सा आता रहेगा। फिर मैसेज। अच्छा जी, जिन्हें नहीं बोलना हो मैसेज ना करे, तंग ना करे, जादू चल रहे हैं। हसनैन अली क्लियर है सर? क्लियर है यस सर। बड़ा कंजूस हो, तारीफ भी वैसे हो सकती थी साथ। ओके हारिस, यस सर क्लियर है, अच्छा फोन। ओके हसीब, यस सर क्लियर है। हाशिर, यस सर क्लियर है। हसनैन, इनफिनिक्स हॉट 10i, इनफिनिक्स हॉट 10i, यस सर क्लियर है। ओके इकरा अनवर, मोहम्मद आमिर, हाय हाय मरोगे मेरे हाथों तुसी मैसेज करने वाले हो। इजाज, सुभान, मुज्तबा, गॉड बेग, मुज्तबा गौस बेग, अच्छा
गौस है कि गौत है? गौस है। ओके मुस्कान, साद हाशमी क्लियर है सर, बेहतरीन। सैफ, सैफ यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। तहरीम यस सर क्लियर है। ले जी लेट मी अलाउ टू मेक सम जादू, इजाजत है? जी सर। हमने बनाना है क्या दोस्तों? नोट्स और एक्सट्रैक्ट। मैं एक काम करता हूं, मैं इधर से नोट्स खोलता हूं, डन, इधर से मैं नोट्स खोलता हूं और इसको मैं साथ खोलता हूं, पहले एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, इजाजत है जी दोस्तों? यस। एक्सट्रैक्ट्स 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 क्या होते हैं? जो भी आप सवाल हल कर रहे हैं उसमें से उस सवाल में कौन सा ऐसा एरिया जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जाएगा, ऐसा ही होता है जी? Yes, आपके पास 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 साल है, एक साल बताएं जिसके मैं एक्सट्रैक्ट बना दूं। 16। अगला जादू होने लगा है, दिल थाम के बैठे दोस्तों। 17। मजीद मुश्किल देख लें, 17, 16, 15, 16 सर, 16, ओके 16 पे आ जाते। चले ये और ये 16। बैलेंस शीट के जब हम बना रहे होंगे, जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे, वी विल यूज 3T अकाउंट्स, कॉस्ट, accumulated depreciation, revaluation surplus, और इनके carried down balance। 16 कहाँ पे है? 16 कहाँ पे है? ये 16? जी सर। cost, accumulated depreciation, revaluation surplus, 208, 32 और 0। कितना है? कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम एज एट, जो भी डेट होगी 2016 था, रुपीज इन थाउजेंड मिलियन, एक्सट्रैक्ट लाजमी लिखना है, कॉस्ट एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवल्यूशन सरप्लस उसका कैरेड डाउन। हाँ जी, आधा जादू हो गया, क्या ख्याल है? यस सर। हाँ जी बेहतरीन हो गया सर। अभी तो रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बच्चे। 2016 हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट, वी नीड इनकम स्टेटमेंट में रिवेल्यूशन सरप्लस, रिवेल्यूशन लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। एक कैरेड ऑन से दूसरे कैरेड ऑन के दरमियान क्या हुआ, हमें वो चाहिए। एक कैरेडोन से दूसरे कैरेडोन के दरमियान, अगर मैं 2016 के कैरेडोन पे खड़ा हूं, मुझे रिवेल्यूशन सरप्लस चाहिए, ये 2016 का कैरेडोन है, और 2015 का कैरेडोन कौन सा है जी? अच्छा ये है और ये है, दरमियान में क्या हुआ? ये है और ये है, दरमियान में क्या? समय तो नहीं आई होगी कोई? आ गई। मोड डेप्रिसिएशन सारे नाल सोखा काम, 32 आ गई डेप्रिसिएशन। रिवेल्यूशन लॉस ये जो होगा एडजस्टमेंट इग्नोर करें, क्यों? क्योंकि 26 चार्ज हो चुकी है, इसका मतलब
हम इसको इग्नोर करेंगे, चार्ज दरमियान में हुई होगी उसको पुट करेंगे, क्या ये बात याद रहेगी? सर दोबारा बताना, रिवॉल्यूशन लॉस जब 26 आया था 15 में, वो फॉर द ईयर था ना, फिर क्लोजिंग हुआ रिमेनिंग लाइफ पे, वो एडजस्ट कर रहे हैं, वो एडजस्टमेंट है, 26 हम पीएनएल में फेंक चुके हैं, तो जो चार्ज होगा फ्रेश किसी साल में चार्ज होगा उसको पुट करेंगे एडजस्टमेंट्स को, ये चार एडजस्टमेंट है ना रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना। जी जी ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है यहाँ पे कितना 13 था, 13 चला गया, 0 रह गया, जी दोस्तों एक्सट्रैक्ट्स पे मुझे चाहिए 1/1 वोट। ताहा साहब कितना जादू हुआ एक्सट्रैक्ट्स पे? सर ये गेन बताएं जरा, गेन कैसे आया? रिवॉल्यूशन गेन बचे 13 माइनस हो गया ना, ये देखो 13 निकल गया, 13 ही था, 13 निकल गया। ठीक है हैं? ठीक है और यार ये किसका माइक ओपन है, बोलते हुए खोलना है यार, इनफिनिट हॉट 10x पता नहीं क्या था जी। ताहा साहब भागे नहीं सर, मैं इधर हूँ, मैंने किधर भागना। ताहा भाई बताएं जरा एक्सट्रैक्ट्स पे एक जादू जो हुआ है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर बड़ा आसान हो गया ये तो काम, ये तो चीट कोड है ये अच्छा था। आजम भाई मेरे ख्याल में फिर मैसेज करेंगे, मैं नहीं पूछता इनसे। हारिस भाई सर मैं भी लाइब्रेरी से पार्क में आके बैठा हूँ। देखो ना यार एक क्लास है, एक टीचर 1/1 नेम लेके कहता है यार बोलो, तुम लोगों के साथ ना वही टीचर ठीक है जो कहता है कि पहन चुप करके म्यूट रहो, मैं आना मैं पढ़ाना था मैं चले जाना, मैं 1/1 नेम लेता हूँ फिर मैसेज डक 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 मैसेज है जी। मैं जो कह रहा था ना जब मैंने दी गर्लफ्रेंड लगी है थे, है ना ताहा साहब? सर ऐसा ही है तारीफ दी गल नहीं। चलो जी वापस आते हारिस भाई। yes, sir, हारिस भाई ओके, क्लियर होने के बाद तारीफ भी की जा सकती है लेकिन कोई बात नहीं। हसीफ भाई, हसीफ फारूकी, हाशिर मलिक, यस सर बहुत अच्छा फॉर्मेट समझ आया सर, क्लियर है, जबरदस्त हो गया। हसनैन अली, क्लियर है सर, है जेड़ा सिर्फ क्लियर कह रहे ना, ना नहीं 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 हुन लंग गया था। इनफिनिक्स हॉट 10 आई जी सर, ये फाइनेंशियल पोजीशन तो क्लियर है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना, ये थोड़ी सी मतलब समझ में नहीं आ रहा बच्चे, ये देख 2016 का क्लोजिंग है, ऊपर 2015 का क्लोजिंग है, आपने जब रजिस्टर पे करना ना लाइनें होंगी ना, जी जी ना पूरी ऊपर 15 का क्लोजिंग है, नीचे 16 का क्लोजिंग है, जो दरमियान में हुआ, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है ना, जी जी सर दरमियान में हुआ, डेप्रिसिएशन दरमियान में भी उठा के डाल दी जी सर। अगर लॉस उस दिन चार्ज हुआ है, मतलब रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड होकर एडजस्ट होना नहीं, चार्ज हुआ जैसे 26 चार्ज हुआ था 15 में, जी जी समझ आई, ये चीज मुझे चाहिए, जो चार्ज हुआ है वो आ गया रिवॉल्यूशन लॉस में। सर प्लस देखो 13 माइनस हो गया, 13 था 13 माइनस हो गया, यस सर इसमें नो सर सही हो गया सर, चलो जी गुड हो गया। कहां पे पहुंच गया था मैं? इकरा अनवर, इकरा तुम्हें बोलना पड़ेगा, इकरा 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 नहीं ओके, आमिर इजाज सुभान मुजतबा एम जी बी ओके मुस्कान क्लियर सर साद, तारीफ भी नाल हो सकती है अगर वाकई चंगा लगे है। मैं आपको ये बता दूं ये एक ऐसी चीज है जिसमें R1 का हर बच्चा टॉर्चर में रहता है,
कोई मेरी मेरे साथ इस बात पे है? सर बिल्कुल, सर का जाप बना होता ही है। और मैं बता रहा हूँ जिस दिन तुम लोग इसमें डालोगे स्पुटनिक सी लिमिटेड, ओए होए होए, तुम कहोगे इतना आसान था। वही तुम लोगों को डराता है ना खाबों में आके। तहरीम सैफुल्ला जी सर, शॉर्टकट में समझ आ गए। ओके, चीट कोड समझ आ गया है जी सर। सैफुल्ला सैफ सर, बेहतरीन समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। ओके, हाय हाय, किसी ने तारीफ ही नहीं की यार, मैं इतना मेहनत, पसीनो पसीन, दरवाजा बंद किया हुआ है, एसी बाहर चल रहा है। हाय हाय सर, माशाल्लाह आज आप काफी अच्छे लग रहे हैं। सर ये मक्खन लगा रहे हैं बेटा, ये तारीफ नहीं मुझे ना, ये मेरे इस मेहनत की तारीफ चाहिए। वो मुझे पता मैं कितना प्यारा हूँ, वो दो चार तस्वीरों में वो वीडियो में आ जाता, वो मुझे एक्चुअल में पता है। तू मेरे पढ़ाने की बात कर, तू तू ना इधर आ, इधर आ, क्वालिटी पे आ, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अगले जादू के लिए रेडी हैं? जी सर। देख लो हार्ट अटैक ही ना आ जाए तुहानू, के इतना आसान भी हो सकता है, फिर सोच लो, मैं तुहानू दस रहा, और फिर सोच लो। सर जी सोच लिया। सर जी डिस्ट्रॉय वाला जादू देखना है क्या? सर ये डिस्क्लोयर वाला जादू देखना। डिस्क्लोयर वाला जादू भी देख लेते हैं यार। अच्छा। अरे छुरी थले था आते लै सोने। अच्छा जी, ये ले। बताएं जी किस साल के डिस्क्लोयर चाहिए आपको? सर 2017। 2017 के डिस्क्लोयर चाहिए मेरे भाई को। ओके, नोटेड। You will use disclosure में आपने कंपनी का नाम लिखना है, हेडिंग देनी है, और एज एट होता है ना ये, नहीं ये नोट्स हैं, नोट्स हैं, नोट्स हैं, नोट्स हैं, तो फॉर द ईयर रहेगा। अच्छा जी, डिस्क्लोयर में आप यूज करेंगे, इसका नाम डिस्क्लोयर नोट है, नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फिक्स एसेट स्केड्यूल है, फिक्स एसेट रजिस्टर है। इसमें सिर्फ यूज होगा दो टीएफओ हमारे वर्किंग नोट में से, दो 17, ये मेरा क्लोजिंग है, दो टीएफओ मैंने कहा था, कॉस्ट और अकमोलेटेड। इस क्लोजिंग से लेकर ऊपर वाले क्लोजिंग को पकड़ लें, यानी कि दो जिस साल के क्लोजिंग की आप बात करें, इसका कैरे डाउन, प्रीवियस का कैरे डाउन, सर्कल कर लिया, कोई इतराज? नो सर। साल की बात करें उसका कैरे डाउन, उससे पीछे के कैरे डाउन तक। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 208 पहले जल्दी जल्दी कर लेता हूं। परेशान हो गए लड़के, जो उन दोनों कॉलम में रखा लिखा हुआ है ना वो उठा के इधर लिख दो। ये लो, ये ब्राडोन है 208 32, ये रिवोल्यूशन की वजह से हुआ 64 और 23, रिवोल्यूशन की वजह से 64 और 23, क्लोजिंग 167, यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग डेप्रिसिएशन आई है, रिवोल्यूशन की वजह से 64 रिवर्स हुआ है और जीरो। दिस ओपनिंग माइनस दिस ओपनिंग इज दिस, दिस क्लोजिंग माइनस दिस क्लोजिंग इज दिस, और ये भी कैसे आएगा, 268 में से 32 माइनस करें कितना आता है, ये देखें लिखा हुआ है 176, और ये लिखा हुआ है 167। जी दोस्तों, जादू किसने देखा, आंखें बंद तो निकाली कबूतर की तरह? नहीं सर, तो मैं जाग गई। सर डिस्क्लोजर होता, डिस्क्लोजर होता क्या है? पिछले ईयर और इस ईयर को कंपेयर किया जाता है ना इसमें सर, पिछले साल ओपनिंग कितना था, इस साल क्या ड्रामेबाजी हुई, इस साल का क्लोजिंग क्या है, जब साल शुरू हुआ तो कितना बैलेंस था, इस साल क्या ड्रामेबाजी। ये ऐसे ही है,
महीना शुरू हुआ आपकी जेब में कितने रुपए हैं? जीरो। फिर आपको पापा की तरफ से मिले, अगर आप पापा की परी हैं तो आपको 3,000 मिले। फिर आपने दरमियान में थोड़ा थोड़ा खर्च करना शुरू किया और महीने के एंड पे फिर हो गए जीरो। तो टाइम शुरू होता है उसके स्टार्ट में कितने थे, दरमियान में क्या ड्रामे बाजी हुई, एंड पे कितने, ये डिस्क्लोजर। ठीक है, तो हमने वही नहीं किया, 208 से शुरू हुआ। हाँ हाँ सर, ये जो पेपर में लिखा हुआ आता है कि नोट्स लिखने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, तो इसमें इतने सारे नोट्स होते हैं किसी किसी बुक्स में? अरे बच्चे, पहले जो समझा रहा हूँ वो तो समझ ले, उसकी तारीफ करनी तो वो कर दे, अभी मैंने कंप्लीट थोड़ी की है। अल्लाह पूछते ना बल के ला चुके, जो बच्चे ये मैं समझा रहा हूँ इस पे फोकस कर। क्या करूं मैं इस जनरेशन का, ये भी तरीका होता है, मैं ये नहीं फॉलो करता होता, ये उससे 100% सीधा सीधा बन जाता है। हाँ जी, वन बी वन। ताहा भाई, आप मुझे लगता है सकते के आलम में है कि रिवॉल्यूशन इतना आसान भी हो सकता है, ये पता नहीं है, मैं खुद कहीं जा रहा हूँ। नहीं सर, वाकई ये चीट कोड है। चीट कोड है, ओके। एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट्स, डिस्क्लोजर्स, क्या जिंदगी आसान हो गई? या मैं तीनों का एक साथ पूछ रहा हूँ जी सर, आपके क्या विचार हैं? था भाई सर जी, काफी आसानी हो गई, मैं भी पिटता था इस पे। साध भाई सर, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने डिस्क्लोजर कर लिया इतने आराम से। आजम भाई, हारिस, हसीब फारूकी, 10803123456 नंबर भी दिया इसने, पता नहीं कुछ लिखा हुआ है। हाशिर मलिक, यस सर क्लियर है। हाशिर कितने कंजूस हो तुम, ये कौन था, फरू हसीब था क्या? हाशिर, दो बुल तारीफ के अगर टीचर को बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब हो गया, अब हो गया। सर मैं बोला ही नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा, हसीब बोला था। हाँ जी हसीब साहब, यस सर, समझ आ गई सारी, काफी अच्छा समझाया। लानत तेरे थे। हाशिर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा समझाया, सारी समझ आ गई, थैंक यू सो मच। Infinix Hot 10 i छोटा, यस सर, यस सर, समझ आ गई, यस सर, यस सर, समझ आ। इकरा अनवर, आमिर, इजाज, सुभान अल्लाह, मुज्तबा, गौस बेग, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, सब अल्लाह का करम है लड़को। साद हाशमी, सैफ, सर बहुत बेहतरीन समझ आया, थैंक यू सो मच। सैफ, सैफुल्ला, सर अलवा बन गया तहरीम। हाँ जी, कौन बोला, कौन बोला? सैफुल्ला, सर मैं कह रहा हूँ हलवा बन गया, अल्लाह करे आगे एनपीओ भी इस तरह ही हो तो मजा है। मैं आपको मजे की बात, एनपीओ से भी आसान है। नहीं सर, एनपीओ से आसान है, एनपीओ आसान है, पता नहीं तुम लोगों ने कैसे पढ़ा हुआ है। चले जी, मैंने सबसे पूछ लिया, तहरीम आप रह गई जी। तहरीम, तहरीम कुछ तारीफ करना चाह रही हैं? नहीं सर, बाकी मैं नोट डिस्क्लोजर पे बहुत टाइम लगाया था कल, मैंने अभी तो फॉरन आ गया था। ओके गुड हो गया सर, अगर नोट इतने आराम से हो गए तो मेरे ख्याल में तो FAR1 इंशाल्लाह क्लियर है। बस यार दुआ करता जा, दुआ कर देना बस। अच्छा जी, ये नोट बनाने के बाद 5 चीजें देनी देनी होती हैं, 5 कितनी, 1 2 3 4 5 हिक डू, बोलो मेरे साथ, हिक हिक हिक, बोलो पहले हिक हिक, डू त्रै त्रै चार पांच पांच, थोड़ा थोड़ा सराकी का टच भी होना चाहिए ना, सराकी भाई भी हमारे साथ। अच्छा जी, आपने बताने कॉस्ट मॉडल पे था एसेट या रिवॉल्यूशन मॉडल पे था, पहली चीज। दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या था, लाइफ कितनी थी, डेप्रिसिएशन रेट क्या थे, ये 4 चीजें तो होगी आसान। छठी चीज भी ऐड करते हैं, पहले पांचवी चीज ऐड करते हैं, 100% कर लेते हैं, फिर मिस ने हमें डांटना है, मिस ने कहना कि सर वो तो आपने बतानी। ये जो फेयर वैल्यू जिसने दिए हैं वो वैल्यूअर्स कौन है, उस कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का नाम, ठीक है। अगर कंपनी का नाम ना हो तो आपने लिखना है इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स,
अब आ जाते छेद, वो कहते हैं जी अगर हैड एसेट नॉट बिन कैरिड एट रिवॉल्यूशन तो कैरिंग अमाउंट क्या होती। अगर एसेट रिवॉल्यूशन मॉडल पे ना होता कैरिंग अमाउंट क्या होती, इसके मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। इजाजत है? जी सर। कल बताया तो थे, कल बताया नहीं थे स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? जी सर कल वाले जाते हैं। बस उससे कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। मिसाल के तौर पे यूज क्या था स्ट्रेट लाइन मेथड में यार, कॉस्ट पकड़े, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें रिमेनिंग लाइफ पे, यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ लिखेंगे तो कैरिंग अमाउंट आएगी, यूज्ड लाइफ लिखेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगी, राइट? मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, कैरिंग अमाउंट चाहिए तो मैं रिमेनिंग लाइफ लिख दूंगा, ठीक है? मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए ना? जी सर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कॉस्ट है, मैंने जितना लाइक 20% रेट है तो 80% से मल्टीप्लाई करना है, 1-10 कर दूंगा। अदरवाइज आपको पता अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो यूज ब्रैकेट्स। इसमें क्या आएगी, कैरिंग अमाउंट ही आएगी। छह चीजें लिखनी है आपने, मेथड कौन सा है यानी कि कॉस्ट है, रिवॉल्यूशन है, डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, लाइफ क्या है, डेप्रिसिएशन रेट क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज कौन से हैं, अगर रिवॉल्यूशन ना होती तो कैरिंग अमाउंट क्या होती, क्या होती। अब देखो होगा क्या, अगर तो एसेट एक से ज्यादा, जैसे ये अगर एक हो तो फिर ये ऐसे लाइन में आ जाएगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो सबके नीचे लिखेंगे रिवॉल्यूशन मॉडल यूज फॉर लाइफ 10 10 10, इसका मतलब, और स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका मतलब ये फिर इंडिपेंडेंट लिखना पड़ेगा। बात वही है, एक एसेट का तो एक साथ लिख दे, नहीं तो इसके नीचे ये तीनों चीजें आ जाएंगी, कोई इतराज? नो सर। उसके बाद आप लिखेंगे क्या किसने वैल्यू की, और अगर एसेट ना होता उस पे रिवॉल्यूशन पे तो कैरिंग अमाउंट क्या होती। ले दोस्तों फाइनली वी डिड इट, हमने इकट्ठे ही कर दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। Yes. अल्लाह के शुक्र अदा करने में हम एक दफा सारे मिलकर दुरूशी पढ़ेंगे, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। भाई पढ़ो, पढ़ लिया सर, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाँ जी सारे पढ़ लें, मतलब माइक ओपन करके ले दोस्तों, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आपके लिए एक और गुड न्यूज हो जाए। जी सर। एक और जादू, जितने रिवॉल्यूशन के सवाल आए हुए हैं, जितने रिवॉल्यूशन के सवाल आए हुए हैं, मैंने सारे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रख दिए। बोलो मुबारक हो। खैर मुबारक, मुबारक हो बहुत। जितने सवाल हैं लाइक ये सवाल पढ़े हुए, यहां से शुरू होते हैं, यहां से स्टार्ट होती है रिवॉल्यूशन। बताएं जी कौन सा खोलूं, आपको दिखा देता हूं। सर स्पुटनिक सी खोलें। स्पुटनिक सी खोलें, पहले पहले मेरी मेरी बात सुने, पहले दो स्पुटनिक और ऑर्चिड से पहले, स्पुटनिक और ऑर्चिड, सर ये ऑर्चिड वाला खोलें, ऑर्चिड और स्पुटनिक से पहले एक सवाल या दो सवाल ओपन करवाएं, फिर इस पे आते हैं। डेल्टा डेल्टा खोल लेते हैं यार, ये लो ये सवाल है, ये प्लांट है और ये तरतीब लाइन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ये ले एक्सट्रैक्ट, इसको पिक्चर पे देखें, ये देखें, ये नोट, ये एक्सट्रैक्ट, क्या याद करेंगे आप लोग, इसी फॉर्मेट में 100% I-16 के सवाल कर दिए। अगला बताओ, ऑर्चिड वाला खोलें, ऑर्चिड वाला खोल लेते हैं, ऑर्चिड खोल लेते हैं,
मेरा भरा तो एक मिनट सब साथ ले, ये लें ऑर्चिड ले जी, बिल्डिंग प्लांट नोट। सर बेहतरीन हो गया, बिल्डिंग प्लांट नोट ले जी, अब आपके लिए हाजिर है स्पटनिक। वेयर इज स्पटनिक? स्पटनिक मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, ये देखिए। मैं आपको मजे की बात हूँ, कोई एक जगह नहीं है जहां पे आप रुकेंगे स्पटनिक में। ले जी इंसान नजर आ रही पास होने के। हाँ बस यही है, दुआ ना करना जालमो। हाँ जी, हाउ इज I-16? अच्छा अब मैं, मेरे ख्याल में ये पास पेपर्स की एक्सेस आप लोगों के पास नहीं होगी, तो क्या करूं क्या करूं, रहने देता हूँ, नहीं देता, जाओ शेयर करते हैं सर। तुसी मैसेज ते बाल गाल कर देना, हुण मेरी वारी। सर जो आपके नोट्स हैं हार्ड फॉर्म में, ये कितने रुपए के मिल जाएंगे? पता नहीं यार, मैं मुझे कभी जरूरत नहीं पड़े तो मैंने प्रिंट करवाया नहीं। मैं जब अगली दफा R1 का पेपर देने जाऊंगा ना, फिर मैं ये हार्ड फॉर्म में पढ़ूंगा इससे, ठीक है। वैसे ये मेरे ख्याल में आपको SBI से 1200 रुपए की पूरी बुक मिल जाएगी, उससे बेहतर है कि आप प्रिंट करवा लें। अच्छा ये मुझे बताइए कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उसमें देखें ये पास पेपर्स हैं। डग 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 डग, किधर है आप लोगों का, यार इतने तो ग्रुप्स हैं, अल्लाह माफ करे। इसमें देखें जरा लिंक्स हैं, पास पेपर्स हैं। वाह इसमें तो बहुत मटेरियल आ गया आपके पास, अल्लाह। सही है सर, रहने दें अभी से, हैं रहने दें, इधर ही भेज दिया आपको ग्रुप में। अब सो देन एक्सक्यूज मी सर, व्हाट यू नीड टू डू, देखें ए अब सुने जरा, क्लोज करते हैं। उस साल में 5 बज गए, ये हमने तीनों किए हैं अभी, मार्च 18 किया है, उसकी एंट्रीज, उसकी एक्सट्रैक्ट्स, उसके डिस्क्लोजर, लाइक इसी सवाल को देखो मैंने हल किया हुआ है, देखो जरा ये ऐसे बनाया हुआ नोट, ये उसके एक्सट्रैक्ट्स बने हुए, ठीक हो गया। ये हमने तीन अभी किए, ऐसे ही किया तीन, एंट्रीज एंट्रीज कैजुअल एक्सट्रैक्ट्स, एंट्रीज नोट्स और एक्सट्रैक्ट्स। ये जो अगले दो सवाल हैं ये 100% वैसे हैं जैसे अभी वाला हमने किया, 100% मतलब 100% डिट्टो, हर लिहाज से 100% है, ठीक है। यानी कि अगर आप ये देखें और एंट्रीज आप करना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए यस इट्स अप टू यू, लेकिन मेरे एंड से ये 100% एक जैसा है। अब ना भी करें तो कोई मसला नहीं, इट मीन्स मैंने आज आपको ये ऊपर वाले सवाल हमने किए हुए हैं, हम पहुंच गए यहां तक। अब भाई आपके पास हैं सवाल 1 2 3 4 5, 5 सवाल हैं जी। एक आबद लिमिटेड है, एक डेल्टा है, एक ऑर्चिड है, टसुकी है और स्पटनिक है। मार्क माय वर्ड्स, आपने आबद लिमिटेड यानी कि सबसे एंड पे जो करना है वो करने है ऑर्चिड, सेकंड लास्ट पे करना है स्पटनिक, उससे पहले जो मर्जी कर लो, एंड पे करने ऑर्चिड, सेकंड लास्ट पे करना स्पटनिक, उससे पहले तीन जिस मर्जी सीक्वेंस से कर लें, और कल ये करके आना है, ठीक है इंशाल्लाह सर। यस कोई कंफ्यूजन, आप कोई उम्मीद है कि नहीं है? सर उम्मीद है, जाग रही है, पेपर पास हो सर। सर ये 5 क्वेश्चन करने हैं आज यार, शुरू कर दो, करने तो है ना। चलें एक काम करते हैं, 2 कर लेते हैं आज, आबद लिमिटेड और डेल्टा, फिर ठीक है। आप सही है सर, बेसिकली तो नोट ही बनाना है ना, आगे क्या है एंटी स्केड्यूल एक्सट्रैक्ट में क्या है आगे, आधे आधे घंटे में नोट बन जाना है। चलो खैर 2 कर लें। अब मुझे बताएं 4 दिनों में से सबसे अच्छी क्लास कौन सी थी? आज की सर, आज की सर, सारी क्लासेस बहुत अच्छी थी। ये पहले जो 3 दिन बेस ही बनाई ना आज के लिए, आज देखो डेप्रिसिएशन में नहीं खपना पड़ा, चेंज इन एस्टिमेट में नहीं मसला था, आप वो तो क्या कहते हैं जी,
क्या लग रहा है, कोई जिंदगी सुकून में आ गई है रिवेल्यूशन को लेकर? जी सर। सर अगर पेपर में ये सवाल आता है तो ये जो हमारा फॉर्मेट है ये एक पेज पे तो नहीं पूरा आएगा, वो बड़ा गंदा सा हो जाता है, लास्ट टाइम भी इसी तरह हुआ था भाई। अभी आप ये सारे लिखे हुए हैं, जब आप हल करोगे फिर समझ आएगा ना क्या करना है। जी सर। ये सर वो फॉर्मेट उसका दो पेजेस पे बना सकते हैं हम, लेफ्ट और राइट दो पेजेस पे बना दो, कुछ कॉलम इधर कुछ कॉलम उधर, खुला खुला करके वड्डा वड्डा करके पूरे पेज, पूरे रजिस्टर के पेज तक तो पूरा हो जाएगा ना। यस सर। नहीं सर लंबाई में नहीं, खाली चौड़ाई में थोड़ा सा उसका इशू आता है ना, तो वो पे लेफ्ट और राइट दोनों पेज कुछ इधर कुछ कॉलम इधर कुछ कॉलम इधर। आईकेप को वैसे मसला तो नहीं ना होगा इतने गंद मारने का? क्यों गंद क्यों है, वर्किंग कर रहे ठीक है। वैसे भी तो आपने 5 सफे जाया करने ना, ये 2 सफों पे आएगा, साफ सुथरा होगा, वर्किंग 100% हो जाएगी। जी सर। अभी कह रहे थे 5-5 सफे लग गए हैं जाया करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता, अभी एक तरीका दे दिया। हाँ जी चले जी, क्लास क्लोज है, जो जाना चाहता है जा सकता है, जिसने कुछ इस पे रिमार्क्स देने हैं, कोई तारीफ के अगर कोई 2 बोल हैं, उस्ताद इतनी अब 2 घंटे के बाद तो डिजर्व करता ही होगा शायद। सर्दी जिंदगी आसान हो गई यहाँ पे, नोट्स आज तक कभी नहीं किए हमने। होली होली एक मिनट, होली होली कौन ताहा बोल रहा है पहले, चलो जी सर। ऐसा रिवैल्यूएशन सरप्लस कहीं नहीं देखा मैं, यूट्यूब पर खपूं पता नहीं कहां कहां खपूं, सीनियर्स का तड़ले की है, सिखा दो भजन। मैं ऐसा कहीं नहीं सीखा, मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप मेरे चैनल पे नहीं गए, वही मिस हो गया होगा। मैं इंडियन तक पहुंच गया था, उसकी अजीब ही रिवैल्यूएशन थी। ओके चलें जी, अब नेक्स्ट इकरा। जी सर बहुत अच्छे से समझ आई है। वो तो मैंने पता है, आगे सर रिवॉल्यूशन मैंने भी एक दो दफा की है पर मुझे समझ नहीं आई थी, बट इस दफा अल्लाह का शुक्र है कि तो मुझे आ गई है समझ। चलो जी बहुत शुक्रिया जी। आजम साहब नहीं बोलना चाहेंगे, हाशिर हाशिर मलिक। सर बहुत अच्छी समझ आई है, बहुत अच्छे से आपने उसको समझाया, प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट भी इसका बड़ा अच्छा समझ आ गया। ओके ओके जी, नेक्स्ट कौन है? मुश्तबा। मैं देख रहा हूँ ये जो तारीफ के बगैर जा रहे हैं ना, मैं सब नोट कर रहा हूँ। हाँ जी मुश्तबा, मुश्किल हाल हो गया आज तक। चलो जी बहुत शुक्रिया, एक मिनट ये सबके टेक ले लेना। मुश्तबा नहीं बोल रहा, साद। ऐसा मैं कह रहा मुश्किल हाल हो गया, ऐसा तो कभी नहीं समझा। ओके बहुत शुक्रिया सर। मैंने जब भी बुक खोली है ना तो चैप्टर 1-2 के बाद चैप्टर 4 पे गया हूं, लेकिन अब जब भी खोलूंगा डायरेक्ट पहले चैप्टर 3 खोलूंगा सर, आई एस 16। चलो जी बहुत शुक्रिया। सैफ सर बहुत बेहतरीन समझ आया, जो एंड में आपने वर्किंग्स वगैरह करवाई हैं एक्सट्रैक्ट के साथ वो काफी क्लियर हो गया, लाइक अगर हम एक वर्किंग बना लेंगे तो सारा आराम से हो जाएगा, तो ये काफी अच्छा है सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। करीम जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, पार्ट 2 आपसे ही पढ़ना है। ओ मेरा अगला कस्टमर पक्का हो गया, मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा ओके जी, और कौन रह गया? इन्फिनिक्स हॉट 10 छोटा आई। यस सर आ गया, क्लियर हो गया। पहले ना कल अपना ना रीनेम नेम करके बोलूं। यस सर। हां अब बोलो सर, ये जो लिंक आपने अब सेंड किया ग्रुप में, इसमें जो नोट्स हैं वो अपडेटेड हैं? मैं तो आउटडेटेड भेजने सर, इसमें पास पेपर का ना जो है ना अलग से नहीं आ रहा, मैंने सारे ढूंढा इसमें, जो अभी लिंक भेजा उसमें पास पेपर से सर, पास पेपर का कोई फोल्डर नहीं बना हुआ। बच्चे आई 16 में जाओगे उसके अंदर एक और फोल्डर होगा पास पेपर का। जी सर 6 फोल्डर है उसमें, 5 फोल्डर है उसमें, सॉरी एडिशनल प्रैक्टिस का नाम से होगा एडिशनल में सर जी, ये सारे नहीं है मुझे लगता है 6 है, अच्छा 7-8। और यार ये अभी जो अभी मार्च 18 की है, ये तो नोट्स में है, फिर आबद लिमिट से आगे पढ़े हुए हैं, 8 पढ़े हुए हैं सर वहाँ पे। हाँ तो स्प्रिंग 13 और 14 कह तो रहा हूँ सेम है, जैसे अभी मार्च 18 की है तो ऊपर आगे वाले 6 रख दिए। सारा मेरा चंगी भली तारीफ हो रही थी तो ना, कौन सी है, कौन सी गुस्ताख कौन था ये? हाँ जी कौन रह गया है?
है कोई और के बस खत्म करें। ओए जालमो लत्तां जोड़ गई हैं मेरी, जल्दी करो दसो मेनू है कोई, है कोई अल्लाह का बंदा है कोई? कोई नहीं है, ठीक है फिर क्लोज करें जी। था साहब क्लोजिंग रिमार्क्स क्या कहते हैं सर? बड़ा मजा आ रहा है यार पढ़ने में, मजा आ रहा है। तू ये सोच, ये सोच मैं ये सबके लिए मतलब पॉइंट है, ये चार दिन का टॉपिक है विद प्रैक्टिस। सर महीने में नहीं हो रहा था अब, जिस पे तुम लोग महीना महीना लगाते हो ना, चार दिन में हुआ क्या? नहीं, हमने चेंज इन एस्टिमेट्स की एग्जांपल्स की दो तीन, हमने डेप्रिसिएशन की एक एक दो दो एग्जांपल्स की, हमने डिस्पोजल की एक एग्जांपल की, हमने एक्सचेंज की एक एग्जांपल की, हमने पॉलिसी की एक एग्जांपल की, हमने इनिशियल मेजरमेंट की एक एग्जांपल की, ये सवाल किया भाई, सारी हर चीज की प्रैक्टिस भी की है, ये इतना ही है। हाँ जी है कुछ और के बस क्लोज, अल्लाह हाफिज। हाँ जी दोस्तों डन है फिर इंशाल्लाह। ठीक है सर, कल इंशाल्लाह मुलाकात, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज सर, सलाम अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।